बेटा जो हमारा नेक्स्ट केस है वो देखो, उसमें आपको सेमी सर्कुलर वायर दी हुई है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर बेटा। इसके ऊपर हमने प्लस क्या चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। पॉइंट ओ पर बेटा हमने नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। दोबारा से देखो बेटा, आपको क्या चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सेमी सर्कुलर वायर, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ। बेटा आपको एक सेमी सर्कुलर वायर दी हुई है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसके ऊपर प्लस क्या चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है और पॉइंट ओ के ऊपर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। बेटा सबसे पहले हम इस केस के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा आपको पता होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके ऊपर बेटा चार्ज है क्या बाय एल, एल की वैल्यू होगी यहाँ पे पाई आर, क्योंकि बेटा ये सेमी सर्कल है। तो आपकी लिनियर चार्ज डेंसिटी होगी बेटा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल यानी कि क्यू बाय पाई आर। बेटा देखो बेटा, इस सिचुएशन के अंदर आपका जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहां से बेटा थीटा एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट को कट किया हमने, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कट किया इस सर्कुलर वायर के ऊपर। यहां से थीटा एंगल पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया बेटा जिसके ऊपर चार्ज आपका डी क्यू, जिसकी लेंथ आपकी बेटा डीएल। यहाँ पे ये एंगल हो गया बेटा आपका डी थीटा। अगर अब हम यहाँ पे लिनियर चार्ज डेंसिटी को निकालते हैं बेटा, वो हो गया आपकी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डीएल। हमने आर का केस को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, यहाँ पे डी क्यू की जो वैल्यू होगी बेटा वो हो गया आपकी लैम्डा आर डी थीटा। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे लैम्डा आर डी थीटा। देखिए बेटा, जब हमने स्मॉल एलिमेंट कट किया, ये स्मॉल एलिमेंट बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह से। अब बेटा जो आपने स्मॉल एलिमेंट डी क्यू कट किया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी स्मॉल इस डायरेक्शन के अंदर होगी आपकी डी ई। लेकिन बेटा यहाँ पे डी ई के दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। बेटा देखो, हमने जो स्मॉल एलिमेंट कट किया है यहाँ से थीटा एंगल पे, जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, जिसकी लेंथ है डी एल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। अब यहाँ पे डी ई के दो कंपोनेंट है बेटा, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। देखो बेटा, हम जो कंसीडर करेंगे बेटा वो लेंगे हम वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस का आपका जो कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा, उसकी वजह क्या है बेटा, ये देखो। देखो बेटा, एक अनदर एलिमेंट हमने यहाँ पे कट किया जिसकी लेंथ है डी एल, जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन के अंदर डी ई। यहाँ पर भी बेटा डी ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे बेटा। ये आपका डी ई कोस थीटा और आपका यहाँ पे होगा डी ई साइन थीटा। बेटा जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे बेटा डी ई साइन थीटा को, यानी कि वाई एक्सिस के कंपोनेंट को। दोबारा से देखो बेटा, हमने यहाँ से थीटा एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट कट किया जिसके ऊपर चार्ज था आपका डी क्यू, जिसकी लेंथ थी आपकी डी एल बेटा, जिसकी लेंथ क्या थी आपकी डी एल। अब हमें पता है जो डी ई होगी बेटा इस डायरेक्शन के अंदर होगी। डी ई के यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे था आपका डी ई कोस थीटा, वाई एक्सिस पे था आपका डी ई साइन थीटा। लेकिन बेटा डी ई कोस थीटा को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने एक अनदर एलिमेंट कट किया जिसका ऊपर पॉइंट चार्ज है डी क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डी ई इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। यहाँ पर भी डी ई के दो कंपोनेंट होंगे, डी ई कोस थीटा और डी ई साइन थीटा। यहाँ पे बेटा डी ई कोस थीटा होगा एक्स एक्सिस पे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे बेटा। तो हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे किसको, डी ई साइन थीटा को। देखो बेटा, डी ई कोस थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट विद सिमेट्रिकली अपोजिट डी क्यू। जो आपका डी ई कोस थीटा बेटा वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम ई नेट कैलकुलेट करेंगे डी ई साइन थीटा, इनकी इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। बेटा सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे डी ई की। डी ई की वैल्यू होगी आपकी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी बेटा, इंटीग्रेशन के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से बेटा k बाय आर स्केयर आपका कांस्टेंट है, अंदर बच गया इंटीग्रेशन डी क्यू साइन थीटा बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी बेटा, वो था आपकी लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा बेटा। अब एक चीज और देखो बेटा,
जो बेटा आपका थीटा वेरी होगा वो होगा 0 डिग्री से 180 डिग्री। जो फर्स्ट एलिमेंट कटेगा बेटा वो कटेगा 0 डिग्री पे, सेकंड ऐसे, जो आपका लास्ट एलिमेंट कटेगा वो कटेगा 180 डिग्री पे। यानी कि जो लिमिट होगी बेटा वो होगी आपकी 0 से 180 डिग्री, यानी कि 0 से पाई। तो यहां से बेटा के बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा हमने वैल्यू रख दी बेटा, आर से आपका आर कैंसिल हो गया, यानी के लैम्डा बाय आर आपका बाहर आ गया बेटा। इंटीग्रेशन हमने करना 0 से 180 तक। अंदर टर्म बच गई बेटा आपकी साइन थीटा डी थीटा। हमें पता है बेटा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता होता है माइनस कोस थीटा, 0 से पाई तक बेटा। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कोस पाई माइनस कोस 0 डिग्री, यानी कि प्लस कोस 0 डिग्री बेटा 1 प्लस 1, या आपका आंसर हो गया 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर। बेटा हमें लैम्डा की वैल्यू पता है ऑलरेडी, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि क्या हो बाय पाई आर स्क्वायर, ये निकल गई बेटा आपकी नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। बेटा हमें एक सेमी सर्कुलर वायर दी हुई थी जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर, इसके ऊपर हमने क्या चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा, पॉइंट ओ पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। बेटा हमने यहाँ पे थीटा एंगल लेके एक स्मॉल एलिमेंट कट किया जिसके ऊपर चार्ज था आपका डी क्या, जिसकी लेंथ थी डी एल बेटा। इस डी क्या चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डी इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। हमें पता है डीई के यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए बेटा, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। बेटा जो एक्स एक्सिस वाला उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता अगर हम एक और स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे कट किया बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डी इस डायरेक्शन में। इस डीई के भी दो कंपोनेंट हो गए बेटा, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ये वाई एक्सिस में ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे बेटा। तो हम सिर्फ काउंट करेंगे डीई साइन थीटा को। हमें आर का केस मालूम है बेटा, यहां से हमने डी क्या की वैल्यू निकाली लैम्डा आर डी थीटा। बेटा यहां पर आपका थीटा वेरी होगा, फर्स्ट जो एलिमेंट कट होगा वो होगा 0 डिग्री पे, लास्ट एलिमेंट कट होगा बेटा पाई पे यानी कि 180 डिग्री पे। यहां पे जो आपकी लिमिट अप्लाई होगी वो होगी बेटा 0 से 180 तक, यानी कि बेटा ई नेट बराबर इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू निकाल ली बेटा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया बेटा वैल्यू पुट करके के डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा हमें पता है डी क्यू की जो वैल्यू है बेटा वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, डी क्यू की वैल्यू थी लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा बेटा, लेमडा आर डी थीटा यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू थी। यहाँ पे आर से आपका आर कैंसिल हो गया, जो कॉन्स्टेंट टर्म है बेटा वो बाहर आ गया आपकी के लेमडा बाय आर, इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से पाई तक। बेटा हमें पता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोस थीटा, उसके बाद बेटा हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बेटा आपका नेट आंसर आ गया आपका ई नेट 2k क्यू बाय पाई आर।